ड्रामा टॉकीज। ये बताना चाहिए था ना आप। तो हमने बताया ना सर आपको। मैं कैसे बताऊं कि आप चाहोगे डायरेक्टर से मिलना। मैं 10 साल किसी डायरेक्टर से नहीं मिल पाया था शुरुआत में सामने। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि आप अगर वही एक दो सीन छोटे मोटे रोल मिलेंगे, उस रोल को इतनी ईमानदारी से करो कि आपको नोटिस किए बगैर रहा नहीं जाए किसी से कि कौन है आदमी। वो मुझे देख के हंसते भी थे, भाई एक्टर ये बनने आया है, अरे यार क्या मतलब। घूमते रहते थे बम्बई, घूमते रहते थे इधर उधर। किसी के पास जाएं ऐसा कुछ एक खुददारी भी थी कि क्या जाएं, कौन है ये चिरकुट हैं। उनको मालूम भी नहीं था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो जब आप डिफेंस में जा रहे थे तो इस एक्टिंग में क्यों आ गए, कौन जा रहा था डिफेंस में? आपने बोला NSDK है, नेशनल स्कूल ऑफ डिफेंस। हमने कहा बाप, जिनको यही नहीं मालूम है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, वो प्रोड्यूसर बने हैं, वो कुछ बना रहे हैं, तो ऐसे अंधे कुएं में क्या। तो वैसा ही सा था, लेकिन फिर भी जो सर्कल होता, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो आपके दोस्त होते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन को बहुत तय करता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, करो और सबकी सुनो, लेकिन अपने दिल की ज़रूर सुनो। दिल और मन जब दोनों में कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो विवेक आ जाता है, और जब तक विवेक ही नहीं बनोगे तब तक बुद्धि चलाते रहोगे, और मन बुद्धि और मन दोनों मिलते हैं तो आपको आसमान की दौड़ें करवा देते हैं। लेकिन बुद्धि और मन के बीच में अपना विवेक जरूर ऑन रखो, बैटरी की तरह। जब तक विवेक ही रहोगे जो चाहते हो पा जाओगे। आपको सोचना है कि लाइफ में और क्या अचीव करना है। आपके गोल हमेशा बड़े होते रहने चाहिए। आपको एग्जाम्पल सेट करना है आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने फैंस के लिए, युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सोचना है सबके लिए। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप हो गया, मैं 500 फिल्म कर लिया। तो लड़ाई बहुत लंबी, बहुत ही तैयारी करना होगा, और सेल्फ असेसमेंट करके आए कि मैं एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। ऐसे ही कलाकार आते रहेंगे ड्रामा टॉकीज़ में और आपसे अपनी मन की रियल बातें करते रहेंगे।